हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज व्हाट्सएप से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर कोई विशेस भेजना चाहते हैं, किसी ख़ास टाइम पर किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं या किसी को गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं ख़ास स्पेसिफिक टाइम पर, तो आपको उस टाइम तक वेट करने की, रात तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को किस तरह आप स्केड्यूल करेंगे ताकि आप वो मैसेज जिस टाइम पर आप चाहते हैं कि वो आपके फ्रेंड को या आपकी अगर गर्लफ्रेंड है उसे रिसीव हो, तो उस स्पेसिफिक टाइम पर हम इसे किस तरह स्केड्यूल करेंगे, तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज स्केड्यूल करना चाहे, यानी हमें किसी ख़ास टाइम पर किसी को मैसेज भेजना है, तो हमें उस टाइम तक वेट करने की, या अगर रात के किसी लेट आवर्स में कोई मैसेज भेजना है तो हमें रात तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जस्ट मैसेज को स्केड्यूल करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास दो फ़ोन है, लेफ़्ट साइड पर मैंने किसी को कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजना है, तो राइट साइड पर मेरे पास फ़ोन है, यहाँ पर मैंने एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, यहाँ पर आप टाइप कर ले SKEDIT, ये मैं ज़रा स्पेलिंग करेक्ट कर लूँ, SKEDIT, ये आपने स्केड्यूलिंग ऐप इंस्टॉल करना है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं जस्ट क्या कर लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद हमने इसकी सेटअप करनी है। तो यहाँ पर हमने या अकाउंट बनाना है या हमने साइन इन होना है, या अगर हमारे पास अकाउंट हमने नहीं बनाया तो हम फेसबुक की आईडी से भी साइन इन हो सकते हैं, तो मैं टैप कर लेता हूँ साइन इन विद फेसबुक, तो यहाँ से मैं टैप कर लेता हूँ और यहाँ पर सॉरी बॉटम में मैंने ये चेक बॉक्स को मैंने चेक करना है और उसके बाद साइन इन विद फेसबुक कर लेना है। साइन इन होने के बाद यहाँ पर मेरे पास स्केडिट जो ऐप है ये मेरे पास कुछ परमिशन भी मांगेगा और हमने इसके जो सेटिंग है वो करनी है, किस तरह हम करेंगे तो ये लोडिंग कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस किस मैसेजेस या कॉल को आप स्केड्यूल कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर स्केड्यूल करना चाहता हूँ मैसेजेस को, तो हम व्हाट्सएप पर टैप कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर टैप करने के बाद हमने एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर इनेबल करनी है, तो इनेबल एक्सेसिबिलिटी पर आ जाते हैं और स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर, और ये वाली ऑप्शन हम लोग ऑन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद बैक आ जाते हैं और यहाँ पर हमने टू जो ऑप्शन है, उसके बाद मैसेज है, उसके बाद नीचे जो स्केड्यूल है, रिपीट है, ये सब कुछ हम एक वन बाय वन देखते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट साइड पर जो फ़ोन है तो वो जुहान के नाम से है, तो वो मैं टैप कर लेता हूँ कि जुहान को मैंने भेजना है। उसके बाद मैंने क्या भेजना है, लेट सपोज़ मैंने भेजना है हाउ आर यू या हैप्पी बर्थडे, लेट सपोज़ मैंने हैप्पी बर्थडे भेजना है तो मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे, क्लियर। तो लेट सपोज़ मैं विश करना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे, किस टाइम, आज के डेट पे करते हैं क्योंकि हम वीडियो में वेट नहीं कर सकते हैं। तो लेट सपोज़ मेरे पास 7:51 PM है और 28 आज की डेट है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं डेट यही रहने देता हूँ और टाइम पर आ जाते हैं, यहाँ से टाइम 7 ही रहने देते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर और ये हम कर लेते हैं लेट सपोज़ 7:55 कर लेते हैं, और AM से ये हम PM कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, PM कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो 7:55 या यहाँ पर 7:51 है, तो ये हम 7:51 से अगर हम ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और 7:53 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा वेट करना ना पड़े। अब क्लॉक पे राइट टॉप पर मेरे पास 7:51 है और मैंने स्केड्यूल कर लिया 7:53 पर। ये अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग भेजना चाहते हैं तो आप रिपीट भी कर सकते हैं कि आप किस किस टाइम भेजना चाहते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली, या आप अगर लेट सपोज़ यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो यही रहने देते हैं। उसके बाद अगर सेंडिंग से पहले आपसे पूछना चाहें तो आप ये वाली ऑप्शन ऑन कर सकते हैं।
तो ये मैं ऑन नहीं रहने देता। अब ये सेटिंग करके आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, ये टॉप राइट पर ये जो चेक बटन है ये आपने कर लेना है, उसके बाद आपने इग्नोर ऑन एट ऑन रेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने दोबारा इग्नोर एट ऑन रेस्ट कर लेना है और आपका ये मैसेज स्केड्यूल हो जाएगा। तो अब हम वेट कर लेते हैं। मेरे पास 7:52 PM है और मैंने 7:53 पर एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज स्केड्यूल किया है लेफ्ट साइड के फ़ोन पर, वो मैं भेजूंगा। तो हम वेट कर लेते हैं और जो हमारे पास टाइम है वो 7:52 PM है। तो इस तरीके से आप अपने मैसेजेस को, अपने विशेस को स्केड्यूल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, आप ये इंस्टॉल कर ले और आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप जो भी मैसेज जिस टाइम पर स्केड्यूल करना चाहते हैं वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मैसेज भेजा था वो यहाँ पर आ जाएगा और सेलेक्ट हो गया और यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7:53 पर हैप्पी बर्थडे मैसेज लेफ्ट फोन पर आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, आप लोग भी इंस्टॉल करके ट्राई कर लें। अपने वेल विशर्स को आप अगर कोई विशेस भेजना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं या जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं किसी खास टाइम पर, तो इस मेथड से आप उसे स्केड्यूल करके आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीख लिया होगा, आप सीख गए होंगे कि किस तरह हमने अपने मैसेजेस को स्केड्यूल करना है, किस तरह हमने स्पेसिफिक टाइम पर उसे भेजना है। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड अप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।